तो क्या खबर जिंदा। तो सर कल है होली और बहुत सारे मैसेज ये आ रहे हैं कि सर हमें नहीं इंजॉय करनी है, हम पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे रीजन है आप लोगों के पास। लेकिन आपका भाई आपसे एक चीज कहना चाहेगा कि यार देखो बात ऐसी है कि एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, अपने आप को इनाम देना सीखो और वो आपको सर सीखना पड़ेगा। तो यार एक दिन आप इंजॉय कर सकते हो, आपके भाई की रिक्वेस्ट पे आप इंजॉय करो। तो यार ये जो टाइटल आप देख रहे हो वीडियो का, वो देख के आपको डराना नहीं चाहता, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है। तो बिल्कुल सही देख रहे हो सर, 9th मार्च 2017 जिस दिन मैंने पूरा तरीके से सीए छोड़ दिया था। लेकिन शायद सीए नहीं छोड़ा मैंने कभी भी, अगर सीए छोड़ा होता तो शायद आपके साथ नहीं होता, लेकिन अगर नहीं छोड़ा होता तो शायद कर रहा होता। थोड़ा एक टिकी ड्राइव की चीज़ है बट आप समझ जाओगे। तो वो इस समय बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है क्योंकि भाई अगले 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तो यार बात ऐसी है ना कि मैं भी रोया हूँ 7 साल तक ना, लगातार हर बार अटेम्प्ट में मेहनत करने के बाद मैं भी रोया हूँ। और हर बार मेरे पास भी था कि शायद मेरी किस्मत ख़राब होगी, और हर बार मैं भी बहुत सारे पंडितों के पास गया हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, मेरा लक खराब है। बहुत बार कोसा है भगवान को भी, आप भी कोस रहे होगे यार, लेकिन कुछ नहीं होता उससे। आप में कुछ थोड़ी सी कमी है, बस उसको ही पहचानना है। हर बार डेली बेसिस पे आपका भाई आपको देता रहता है चेकलिस्ट की भाई आप ऐसा करते रहो। एक चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैंने नहीं करी, जो मतलब स्टार्टिंग में नहीं करी, बाद में तो करी थी मैंने, एक चीज जो मैंने नहीं करी वो थी टेस्ट सीरीज। तो भाई वहां पे ना आप लोगों को समझा रहा हूं सर, रिसर्च कर करके आप लोगों को समझाता रहता हूं, साइंटिफिक रिसर्च करके। तो जब मैंने 9th मार्च को जब सीए छोड़ा, यूट्यूब चैनल पे मेरी 3 वीडियोस पड़ चुकी थी, 4 वीडियोस एक्चुअली, और मेरे केवल 70 सब्सक्राइबर थे भाई। फिर उसके बाद 3 साल बाद आज आप लोगों का प्यार है, आज तक आपके भाई ने आज तक एक भी बार मार्केटिंग नहीं करी, ना ही आपके भाई ने कभी स्क्रिप्ट लिखी और बोलने की कोशिश करी, क्योंकि अपने से होते ही नहीं है यार, अपन सब फैमिली हैं, भाई हैं। मैं वो बोलता हूं जो मेरे दिल से आप लोगों के लिए निकल रहा होता है, और आज तक कभी भी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है कि दर्द ना क्या होता है। आप में से बहुत लोग ना आधी बार भी मेरा आधा पेन भी नहीं बर्दाश्त किया होगा आपने। तो ये मैं आप लोगों को अपना दर्द बताने के लिए नहीं ये वीडियो डाल रहा हूं, कल खुशी का दिन है, खुशी मनाना, आप लोग को ये बता रहा हूं। और विश्वास मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सर, जो मैंने अपने मतलब 7 साल तक मैंने भी होली दिवाली और ये सारी चीजें ना ढंग से नहीं मनाई थी, और उसके 2-3 साल तक भी। तो अपनी जिंदगी को ना एक चीज के अंदर बांध के मत रखो। अगर सीए नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कर लोगे, लेकिन अभी जो अटेम्प्ट दे रहे हो उसमें दिल लगा के मेहनत करना। सर जब लास्ट टाइम मैंने सीए छोड़ा था ना, 147 मार्क्स थे और स्लैसिंग हुई थी मेरी कॉपी में, दिख रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा, कुछ रीजन थे। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीए छोड़ो, आपको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यार ना बात ऐसी है कि ये मोटिवेशन बकवास की चीज है। अगर आप संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देखते हो ना, पूरी इंडिया के या पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा चैनल जो नॉन मोनेटाइज है और 10 लाख और 1 करोड़ से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं और 1 करोड़ से ज्यादा की फैमिली है, वो भी यही कहते हैं भाई कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप कुछ सीख सके हो, कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों के अंदर आग लग जाए और आप लोग करते रहो, वो होती है इंस्पिरेशन, और वो लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हर बार ट्राई करता हूं कि कुछ ना कुछ आप लोगों को नया ला के दूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहां पर है। सर पता है ना कि जिंदगी के अभी तक जितने भी साल मैंने बिताए हैं केवल ये रिसर्च करते हुए बिताए हैं एज अ स्टूडेंट। तो अपना दिन एंजॉय करो, कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजॉय करो, सारी चीजें भूल के। एक ऐसा ही कहावत है कि होली ना मतलब दुश्मनों को भी पास ला देता है, तो अपने दुश्मन मानना अपने फेलियर को, और सर मिल के आना उससे, कल गले लगाना कि सर आज तक नहीं एंजॉय करने दिया ना तुमने, आज जो है एंजॉय करूंगे। तो एंजॉय करो कल का दिन और फिर अगले दिन से फिर से शुरू करना सर, और जितना आसान समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा आसान है सीए, विश्वास मानो। बस एक चीज अपने यहां दिमाग से निकाल दो,
कि तुम फेल हो सकते हो। तो मैं अपने आप को फेल नहीं मानता, और ये प्यार आप लोगों की वजह से। असली में ना सबसे ज्यादा तब रोया था, ITSM का पेपर खत्म हुआ था आपका May 2017 के बाद, और जो आप लोग प्यार दिखा रहे थे, असली रोना मुझे उस दिन आया था कि सर नहीं हूं फेल में। और ये प्यार जो आप लोगों का कंसिस्टेंट है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को हमारी SBS फैमिली की तरफ से हैप्पी होली, और ये मोटिवेशन डोज आप लोगों को फॉलो करना है कल से लेके पूरे एग्जाम के लास्ट तक, और विश्वास मानिएगा हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इंजॉय करना, और ज्यादा ज्यादा लास्ट बात ये है कि पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के पढ़े, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। जय हिंद, वंदे मातरम।